पीपल फार्म में हम एनिमल रेस्क्यू करते हैं, हमारे यहाँ एक सेंचुरी भी है, तो कुछ गाय जिन्हें हम रिलीज नहीं कर पाए वो यहाँ रहती हैं, एक सुअर यहाँ पे आ गया था, एक खच्चर यहाँ रहता है, दो बकरे यहाँ रहते हैं, एक भेड़ यहाँ रहती है। तो जब विजिटर्स आते हैं, वॉलेंटियर्स आते हैं, गांव के बच्चे आते हैं, तो उन्हें भेड़ से, बकरे से, इन सब से कनेक्ट करने का एक मौका मिलता है। तो हमें लगा कि हमारे पास मुर्गियाँ नहीं हैं, मुर्गियाँ होंगी तो लोग मुर्गियों से भी कनेक्ट कर पाएंगे। अब रेस्क्यू करने का तो उन्हें मौका हमें मिलेगा नहीं, तो हमें लगा कि हमें दुकान से जाके खरीदनी पड़ेगी। तो हम एक दिन गए, तो जब हम गए, हमें जो पहली दुकान दिखी वहाँ पे एक मुर्गी एक दड़बे में अकेले बैठे हुई थी। ना उसके पास खाना था, ना पीने को उसके पास पानी था। अब ये ज़िंदगी में पहली बार मैं एक जीता जागता मुर्गा खरीद रहा था, और बड़ा ही एक दुखद सा वाक्या था देखते हुए कि उनको किस तरह से बेचा जा रहा है। वज़न के अनुसार वो उन्हें बेच रहे थे, जैसे उनमें और पीछे जो उसके पीछे चिप्स के पैकेट हैं उनमें कोई अंतर ही ना हो, जैसे वो जीव ना हो के कोई वस्तु हो। लोगों का जो इनके प्रति व्यवहार है वो ऐसा नहीं है जैसे वो जीवित हो, वो व्यवहार ऐसा है जैसा हम सामान को यहाँ से वहाँ पटकते हैं, और जाहिर सी बात है इन्हें उसमें चोट लग जाती है। तो ये जो मुर्गी थी इसे भी चोट लगी हुई थी, पर कम से कम उसकी चोट में मैगेट्स नहीं पड़े हुए थे। अब जब हम दूसरी दुकान में गए तो वहाँ पे एक पिंजरा था जिसमें बहुत सी और डेरी सहमी मुर्गियाँ बैठी हुई थी। अब इनमें से मैं किसकी जान बचाऊं, मैं ये फैसला लेने से शायद थोड़ा डर सा गया, तो मैंने दुकानदार को कहा कि आप ही इसमें से किसी एक को निकाल दीजिए। उस दुकानदार ने ही हमारे लिए एक मुर्गी चुन दी थी, और शायद उसी की ही किस्मत में बचना लिखा था। तो हमने गाड़ी में ही इनका नामकरण कर दिया, और अब हम कुकड़ू और कू को फार्म पे ले आए। जैसे बाकी सब रेस्क्यूज का होता है, इसी तरह इनका भी बेसिक ट्रीटमेंट शुरू हो गया। ये बड़ा देख के बुरा लगा कि कुकड़ू जो है वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, पर इसको देख के मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरह इन मुर्गियों को पाला जाता है, कोशिश यही होती है लोगों की वो जल्द से जल्द बड़ी हो जाएं, और इन्हें कोई जगह नहीं दी जाती जिसमें ये चल सकें। ये एक छोटे से पिंजरे में रहती हैं जब से पैदा होती हैं तब से, तो इसीलिए कुकड़ू को चलने में दिक्कत हो रही थी। पर थोड़े ही समय में, थोड़े प्यार से, थोड़े रख रखाव से कुकड़ू ने चलना शुरू कर दिया। अब इन दोनों का बर्ताव वैसा हो गया जैसा इनका प्रकृति में होता है। इन्होंने ज़मीन खरोचनी शुरू कर दी, इन्होंने चुगना शुरू कर दिया, और जहाँ पे ये आदमियों से डरती थी, सहमी रहती थी, वहीं पे इन्होंने अब हमारे कमरे में आना शुरू कर दिया। शायद ज़िंदगी में पहली बार इन्हें प्यार मिला था। उस दुकानदार ने ही हमारे लिए एक मुर्गी चुन दी थी, और शायद उसी की ही किस्मत में बचना लिखा था। मन तो मेरा करता है जिसको भी दुख में देखूं उसको बचा लूं, पर मेरे लिए ऐसा करना नामुमकिन है, और जिसको हम नहीं बचा पाते उसका आखिरकार एक दर्दनाक अंत होता है। तो आप मुझे बताइए, आप चिकन इसलिए खाते हैं कि इन्होंने तो मरना ही है, या इन्हें पैदा इसलिए किया जाता है, पाला इसलिए जाता है, मारा इसलिए जाता है कि आप चिकन खा सकें? मैंने ही कहता कि आपको दूसरों के दर्द की परवाह होनी चाहिए, पर हाँ, यदि आपको परवाह है
तो देखिए आप जाने अनजाने में कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे जिससे आप उन्हें दर्द पहुंचा रहे हैं।